इंतज़ार मत करना कभी, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हैं मिट्टी मोटिवेशनल। दोस्तों, एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। दो दोस्त थे, वो बाइक सीखना चाहते थे। तो उन्होंने जो एक दोस्त था उसका नाम श्याम था और दूसरे का नाम राम था। तो जो श्याम था वो सोचा कि दोनों लोग बाइक निकलवा ले आए घर पे अपने, फिर उस बाइक को दोनों लोग को चलाने नहीं आता था। तो जो श्याम था वो बाइक को लेकर आ गया और उसे रख दिया, बोला कि नहीं हम कल, चलाने तो आ नहीं रहा था, बोला कि हम कल सीखेंगे इसे, आज रख देते हैं। और जो राम था वो सोचा कि बाइक तो आ ही गया है, चलाना हमको ही है। तो उसने क्या किया, चलाने उसको भी नहीं आ रहा था, वो बाइक को पैदल लेकर जाने लगा। तो जो कुछ दूर ले गया तो उससे दो चार दो लोग जा रहे थे, तो उस पूछे कि बेटा क्या हुआ बाइक को, क्यों, एक तो इतनी न्यू बाइक है तुम इसे धक्का देकर ले जा रहे हो। तो उसने बोला कि अंकल जी मुझे चलाने नहीं आता है। तो उस आदमी ने बोला कि हमको भी इधर ही जाना है, तुम भी उधर ही चल रहे हो, तो क्यों नहीं हम तुमको साथ में लेकर चल चले, तुमको बता भी देंगे कैसे चलाना है। तो साथ में ले गए सिखाते सिखाते, तो उसे चलाने के लिए आ गए। और जो श्याम था वो बोला कि कल सीखेंगे। तो ये है कि कोई काम सोचिए मत, बस उसे कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे होगा ऐसे होगा तो वो नहीं हो पाएगा, और जब कर देंगे ना तो कोई ना कि किसी ना किसी मदद के थ्रू आप लोगों का वो काम होगा, हो जाएगा। आप जहाँ पर हैं वहीं पर काम करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कोई आपको दुकान ही करना है, या गेम में जाना है, बैट बॉल खेलना है तो सीखना है, तो आप जैसे जिसमें इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाइए। उसमें होगा ये ना कि सबसे बेटर आप करेंगे। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाइए, और ये मत सोचिए कि नहीं हमको इतना ये ज़रूरत पड़ेगा। कुछ सीखने के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है, केवल जुनून होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसे शुरू कर दीजिए, छोटे ही स्टेज पर चालू करिए। लेकिन ये नहीं सोचिए कि मेरे पास इतना व्यवस्था हो जाएगा या हम इतना इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद हम चालू करेंगे, वो कभी आप चालू नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि, और तीसरी बात है कि किसी काम को सोचिए मत, शुरू कर दीजिए छोटा ऐसे ही। वही बताया ना कि छोटे ही स्टेज पे शुरू कर दीजिए, ये मत शुरू करिए कि नहीं इतना हो जाएगा, इतना आपके पास ना कभी होगा और ना आप शुरू करेंगे। कभी भी सही वक्त आता नहीं है, बनाना पड़ता है। सही बात है दोस्तों कि सही वक्त कभी नहीं आता है, बनाना पड़ता है उसे। अगर आप सोचेंगे कि वक्त आएगा तब हम चालू करेंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो वक्त आएगा नहीं। कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए, अगर आप खाना ही रखे हैं तो जब तक आप उठा कर खाएंगे नहीं तब तक आपके मुंह में नहीं आएगा। तो यही था दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।